हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 23 अगस्त है, संडे का दिन है और आपके लिए रिसेंटली मैं 4 स्टॉक प्रोडक्ट में इसके रूप में लेके आया हूँ। BASF इंडिया, अशाई इंडिया ग्लास लिमिटेड, प्रिज्म जॉनसन एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये सिर्फ टेक्निकल बेस्ड है, इसमें कोई फंडामेंटल मैंने देखा नहीं है और ना तो इसमें फंडामेंटल अभी बता रहा हूँ। आप इसको सिर्फ टेक्निकल बेस पे इसके टारगेट के लिए लीजिएगा और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा। स्टॉप लॉस में के साथ इसको बाय या सेल कीजिएगा। BASF इंडिया लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर में अच्छी इसका है, तो ये अभी रिसेंटली देखेंगे। तो यहाँ पे RSI डाइवर्जन भी है। अब यहाँ पे भी देखिए RSI, ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे RSI डाइवर्जन भी बता रहा है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छे अपने टॉप को लेवल को 1500 के लेवल को क्रॉस आराम से किया है। इनफैक्ट 1322 को जब क्रॉस किया था तो ये बहुत अच्छे से किया था और कहीं ना कहीं 1859-1900 के टारगेट के लिए ये ऊपर जा सकता है। एक RSI डाइवर्जन भी है इसमें और साथ में इसमें, लेकिन अगर स्टॉप लॉस है तो आप अगर आप 1619 CMP है करंट मार्केट प्राइस से चाहें तो आप इसका 1500 का स्टॉप लॉस या 1350 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें 1900 के टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है एक आसी इंडिया ग्लास लिमिटेड है, यह भी इसका CMP है 235 रुपये। यहाँ पे भी आप वॉल्यूम अच्छे खासा वॉल्यूम देख रहे हैं और वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, 195 का वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे भी और कहीं ना कहीं ये 263 की ओर जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे गेन तो वो 195 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाएगा, तो ये उतना अच्छा तो नहीं है। बट अगर कोई चाहे तो इसमें आप इसके इनफैक्ट अगर चाहें तो आप इसके जो लोएस्ट है 204, फिर भी आपको अगर 260 जाना है, 235 है, तो 200 के स्टॉप लॉस से आप एक बार इसको इसको देख सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम बहुत ही अच्छा हुआ है तो 80 इंडिया क्लास लिस्टेड में देख सकते हैं। प्रिज्म जॉनसन में भी देखेंगे तो 51 का लेवल इसने ब्रेकआउट किया है, इनफैक्ट एक रेसिस्टेंस भी था इसको यहाँ पे 53-52 को उसको भी क्रॉस किया है, वॉल्यूम भी है यहाँ पे, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने 50 के स्टॉप लॉस को 57 की ओर क्रॉस करता हुआ 72 की ओर जाता हुआ आपको देख सकता है। प्रिज्म जॉनसन इंडिया लिमिटेड 57 का ये CMP है इसका चल रहा है, 57.10, 50 का स्टॉप लॉस है, 72 का टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर इसको चाहें तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए 40 रुपीज़ के टारगेट के एक्यूमुलेशन के लिए रख सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें भी मंथली पे यहाँ पे डाइवर्जन है, RSI डाइवर्जन है, वॉल्यूम भी है। अगर आप वीकली में देखें तो वॉल्यूम भी देखिए हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो कोई भी चाहें। और अभी इसने यहाँ पे इसके ब्रेकआउट को किया है, 13.69 रुपये को ब्रेकआउट लिया है और ये ऊपर की ओर गया है, तो चाहें तो आप इस पर एक सिंपल सा 12 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके देख सकते हैं। या लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये आपको रिसेंटली अभी शॉर्ट टर्म में 18 और फिर ऊपर की ओर ये 40 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो रिजल्ट भी आया है वो अच्छा आया है। आप देखेंगे पहली बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो आया है क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे उसका, तो जून 20 का देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो 105 करोड़ का प्रॉफिट देते हुए आपको दिखेगा, जो कि पहले जहाँ पे ये लॉस करता था 700 करोड़ के आसपास का, वहीं पे आप देखेंगे 267 करोड़ का लॉस किया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छा खासा 100 नेट प्रॉफिट भी आया है, तो कहीं ना कहीं जो लॉस का ट्रेंड इनका चल रहा था वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है और यही कहीं ना कहीं चार्ट पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है। और RSI पे भी डाइवर्जन है, RSI का भी डाइवर्जन है, वॉल्यूम भी हो रहा है, तो ये हो सकता है आप इसको अगर रखते हैं एक्यूमुलेट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। ये सारे मेरे अपने ओपिनियन है, व्यूज है। आप मार्केट में कोई भी पोजिशन बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से पूछें। आप पेपर ट्रेड करें, देखिए वॉच लिस्ट में रखें, लेकिन मेरे कहने से कोई भी पोजीशन मार्केट में नहीं बने। हो सकता है ये कोई भी ट्रेंड काम ना करे और रिवर्सल भी चला जाए, तो स्टॉप लॉस में वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट होना ही है। बट ये चार्ट पे एक अच्छा दिख रहा है और इसमें BASF
और बैंक ऑफ महाराष्ट्र फाइनेंशियली भी अच्छा दिख रहा है। प्रिज्म शायद और आशी इंडिया ग्लास, ये दोनों उतना अच्छा फाइनेंशियली भी नहीं दिख सकता दिखता है। तो फाइनेंशियली और डिटेल आप जाकर चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अच्छा दिखता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।